2015 मोदी सरकार में सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री की हैसियत से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा के अधिवेशन को संबोधित कर रही थी। भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने लताड़ा। सुषमा ने खुलेआम पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री कर संबोधित किया। उनके इस भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अध्यक्ष जी, भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। साल 2017 में भी सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। सुषमा स्वराज की उस स्पीच को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर किस तरह पाकिस्तान को आईना दिखाया, उसकी एक और बानगी देखिए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या फिर देश की संसद, विदेश मंत्री रहते हुए हर जगह सुषमा ने पाकिस्तान की पोल खोली, उसके नापाक इरादों को जगजाहिर किया। अध्यक्ष जी, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए। श्री जाधव की माँ जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने के लिए मजबूर किया गया। अध्यक्ष जी, मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि पत्नी की बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र उतरवा दिए, लेकिन हकीकत यह है, आज मेरी उनसे बात हुई है, केवल पत्नी के नहीं, माँ के भी बिंदी, चूड़ी और मंगलसूत्र उतरवा दिए गए। हालांकि पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव की उनकी माँ और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग से मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। प्रखर वक्ता के रूप में पहचान बनाने वाली सुषमा का विरोधियों पर भी जबरदस्त प्रहार होता था। वो अपने तर्कों से विरोधियों को कैसे चारों खाने चित्त करती थी, उसकी वानगी भी देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, हम देशद्रोह को कानून को समाप्त कर देंगे, यानी वो देशद्रोह को अपराध मानने से इनकार कर रहे हैं। हम राजनीतिक स्थिरता के नाम पर मजबूत सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं और वो गठबंधन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। मोदी जी देश की नब्ज पहचानते हैं, राहुल गांधी देश की नब्ज नहीं पहचानते, बाकी पार्टियों के लोग देश की नब्ज नहीं पहचानते। तो जिन्होंने देश की नब्ज को समझ कर, पहचान कर अपना संकल्प पत्र बनाया है, जनादेश उसी को मिलेगा। हिंदी के अलावा सुषमा को कई भाषाएं आती थी। सुषमा संस्कृत में भी बड़ी सहजता से अपनी बात रखती थी।
अद्यत्वे संपूर्णे विश्वे षड् सहस्राधिका भाषा व्यवहारे सन्ति। सहस्राधिक वर्षेषु न केवलं भारते अपितु विश्वस्य अन्यस्मिन् भागेषु अपि अन्यासाम् अनेकासां भाषाणां विकासे संस्कृत भाषा स्वीयं प्रभावं अस्थापयत्। आज सुषमा भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी ये आवाज, उनके ये भाषण हमेशा हमारे बीच रहेंगे।